नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो WDS6 लोकोमोटिव्स के ऊपर है। दोस्तों, जब कभी हमारा लोकोमोटिव्स मेजर शेड्यूलिंग के लिए जाता है या हम POH करते हैं तो उसके जो पुराने लाइनर्स हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है और इसको कंडीशनल वे से हम इसको फिटमेंट करते हैं। अगर उनकी कंडीशन ख़राब है, उसको नया हमें चेंज करना है तो हम न्यू सिलेंडर जो है रिप्लेस कर देते हैं पुराने के बजाय। तो नए सिलेंडर लाइनर्स के अंदर फिटमेंट से पहले इसकी सीटिंग एरिया जो जहाँ पर इंजन ब्लॉक में इंजन हेड बैठता है उसको जो है प्रॉपर लैपिंग किया जाता है एब्रेसिव स्लरी के द्वारा। और आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं कि एब्रेसिव स्लरी और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसको एक लैपिंग टूल से प्रॉपर जो है लैपिंग किया जाएगा, सरफेस को स्मूथ किया जाएगा जिससे कोई भी गैस लीकिंग या प्रेशर लीकिंग ना हो सके इस एरिए से। और इन सभी 6 सिलेंडर का ब्लॉक है, इसलिए जो है 6 सिलेंडर लाइनर जो है रेडी कर लिए जाते हैं प्री इंस्टॉलेशन से पहले। और साथ ही साथ दे सकते हैं ओरिंग्स हैं, ओरिंग 2 ओरिंग लगा हुआ है सिलेंडर लाइनर के आउटर सरफेस पे, इसको ग्रीसिंग किया गया है जिससे स्मूथली जो है ब्लॉक के अंदर जो है फिट हो सके। और साथ ही साथ इसको लिफ्टिंग के लिए एक फिक्चर का इस्तेमाल करेंगे हम, और इसको जब हम लिफ्ट करेंगे क्रेन की मदद से तो केयरफुली जो है ब्लॉक का सेंटर और लाइनर के सेंटर को अलाइन करके स्लोली जो है इसको मूव कराया जाता है डाउनवर्ड में लाइनर को, और एंश्योर किया जाता है कि इसकी ओरिंग जो है किसी शार्प एजेस से कट ना हो जाए कहीं। और ये कुछ टाइम तक फ्रीली जो है ड्रॉप होगा आपका बाई वेट जो है। एक स्टेज आएगा जहाँ पर ये आपका ड्रॉप होना यानी कि फ्री आपका नहीं आएगा, हाँ जहाँ पे ये रुक जाएगा मूवमेंट वहीं पे इसके फिक्चर्स को हम रिमूव कर लेंगे, लाइनर फिक्चर्स को केयरफुली, इनका इनर सरफेस या आउटर सरफेस कुछ भी डैमेज नहीं हो, इसलिए जो फिक्चर को रिमूव करते वक्त हम काफ़ी केयरफुली जो है रिमूव करेंगे जिससे कि कोई सरफेस इसमें जो है डैमेज ना हो। और इस तरीके से दोस्तों सारे के सारे जैसे हम लाइनर को इसी तरीके से फिट कर लेंगे। और जैसे ये लाइनर हमारा जो है अब हमने रखा है, इसके ऊपर एक प्लेट द्वारा एक हैवी प्लेट लेते हैं और इसको एक हैवी रॉड से वाई प्रेसिंग सम लोड से जो है इसको प्रेशराइज से अंदर जो है एंटर कराएंगे लाइनर को, तो जिससे ये सीटिंग एरिया में जाकर के पूरा बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने लाइनर है और नीचे जा रहा है ग्रेजुअली, और जो ओरिंग है वो नीचे वाले सीटिंग एरिया में ब्लॉक के जाकर के बैठती है। और ये जो है ओरिंग जो है प्रॉपर बैठनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से वाटर लीकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरीके से सारे सिलेंडर में जो है इंश्योर किया जाता है कि ओरिंग जो है प्रॉपर सीटिंग एरिया में बैठा है या नहीं बैठा है। तो सब ऑल 6 लाइनर जो है फिट हो चुके हैं, इंस्टॉल कर दिए गए हैं और अब ये रेडी है ब्लॉक फॉर हाइड्रो टेस्टिंग के लिए। तो हाइड्रो टेस्टिंग करने से पहले सभी जो पोर्ट हैं वाटर पोर्ट्स उनको ब्लॉइंग कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और एक साइड से हम वाटर को इसमें एंट्री कराते हैं। तो देख सकते हैं ये सारा ब्लैंक किया हुआ है पोर्ट्स को, और जहाँ से हम पानी जो है इसमें फिल करेंगे ब्लॉक के अंदर, और 2 kg के अबाउट जो है प्रेशर इसमें बिल्डअप किया जाता है बाय ये हैंड पंप। ये आपका हैंड आपका प्रेशराइज पंप है, 2 kg का प्रेशर इसमें बिल्डअप किया गया है और कोई भी इसमें जैसे लीकिंग नहीं हमें फाउंड हुआ। इस तरीके से हाइड्रो टेस्टिंग इसकी जो सक्सेसफुल हुई है, और इसके बाद हम सरफेस क्लीनिंग करके अब ये ब्लॉक रेडी है फर्दर ऑपरेशन, लाइक जो पिस्टन है इसके जो है पिस्टन इसमें असेंबली स्टार्ट किया जाएगी, पिस्टन असेंबली इसमें किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।